क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन ए बार ग्राफ। ये जो बार ग्राफ हमें यहाँ पे बनाना है उसका यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। ये क्लासेस हैं 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th। इसके अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है 135, 120, 95, 100, 90 एंड 80। अब सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक यूजुअल स्केल लेना होगा। हाउ वुड यू चूज ए स्केल? तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन चूंकि 135 हैं तो हमें यहाँ पर लेना होगा स्केल। स्केल ले लेते हैं हम। देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, ये यहाँ जो हमने ये बनाया है इसके अंदर हमने ये इक्वल डिस्टेंस पर जो मार्क्स लगाए हैं 1 सेंटीमीटर है ये। तो ये 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को हम अगर ले लेते हैं 10 चिल्ड्रेन तो स्केल आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रेन। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रेन, ये हमारा स्केल हो गया। अब इस स्केल को लेकर के हमें ये सब इसके ऊपर लिखना होगा। देखिए सबसे पहले 10 लिख लिया हमने यहाँ पर, ये आ जाते हैं यहाँ पर चिल्ड्रेन, इधर आ जाएगा चिल्ड्रेन, इसे तो कहेंगे चिल्ड्रेन वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर हम इसमें हॉरिजेंटल वाली लाइन पर आ जाएगा क्लास, यहाँ पे आ जाएंगे क्लास। अब देखिए इसे कैसे हम ड्रा करेंगे, पहले हम इसको हर एक सेंटीमीटर के ऊपर 10 10 करके लिखते जाएंगे, 10 फिर 20 इस तरह से, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150, इस तरह से चलता जाएगा। अब देखिए क्लासेस में यहाँ पर आएंगे हम, 135 है फिफ्थ क्लास में, 135 है चिल्ड्रेन, तो 135 कहाँ पड़ेगा, 140 और 130 के बीच में पड़ेगा। तो इसके बिल्कुल बीच में हम एक लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे ऐसे करके, तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये कहाँ तक आएगा, क्लास फिफ्थ का बार ग्राफ कहाँ तक आएगा। क्लास फिफ्थ को हमने यहाँ से ड्रा करना है, देखिए ये ऐसे ड्रा करते जाएंगे हम, ऊपर को ऐसे लेते जाएंगे, ये देखिए ऐसे लेते जाएंगे इसको हम, ये क्लास फिफ्थ का बार ग्राफ यहाँ पहुँचेगा ऐसे करके, ये क्लास फिफ्थ का बार ग्राफ आएगा। और ऐसे ही हम यहाँ से भी इसको ड्रा कर लेंगे, ये बार ग्राफ हमारा बनेगा क्लास फाइव का। क्लास फाइव में नंबर ऑफ चिल्ड्रन 135 हैं, इसलिए 135 के सीध में हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये डॉटेड वाली, और ये डॉटेड वाली ड्रा करके हमने ये ग्राफ बना दिया। इसके नीचे हम लिख देंगे क्लास फिफ्थ, यहाँ पर आ जाएगा फिफ्थ। ये देखिए क्लास फिफ्थ आ गया यहाँ पर ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास कौन सा है, सिक्स्थ है, सिक्स्थ के अंदर 120 जाएगा, तो देखिए 120 पर इसे रखेंगे हम ऐसे करके, और इसके सीध में एक ऐसे बना देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि ये कहाँ तक, कितनी ऊंचाई तक जाएगा, किस हाइट तक ये जाएगा, ऐसे करके, ऐसे करके हम ये लाइन ड्रा करते जाएंगे। अब देखिए इसको हम ऊपर तक एक्सटेंड करेंगे जहाँ हमने ये मार्किंग की हुई है, यहाँ तक हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऐसे हम ऊपर तक लेकर जाएंगे, और देखिए इससे भी इसको ज्वाइन कर देंगे। फिफ्थ के बाद में ये आ गया सिक्स्थ, ये आ गया सिक्स्थ क्लास। सिक्स्थ के बाद में आता सेवेंथ में 95, 95 का मतलब ये आएगा यहाँ पे 90 के और 100 के बीच में, तो ये आ गया 95 की लाइन। अब देखिए 95 की जो लाइन आई, हम इसे यहीं तक ड्रॉ करेंगे बस, 95 की जो लाइन आई है तो हम इसको ऊपर तक एक्सटेंड करेंगे, लेकिन एक्सटेंशन इसका सिर्फ वहीं तक होगा जहां पे हमने 95 की मार्किंग की हुई है, बस 95 की मार्किंग तक ही इसको लेकर के जाएंगे हम।
ये देखिए यहाँ पर ये आ गया हमारा क्लास सिक्स के बाद में सेवेंथ। ये सेवेंथ आ गया। अब एट्थ को देख लेते हैं, एट्थ में है हंड्रेड। तो अब देखिए हंड्रेड यहाँ पर है ये, तो हम यहाँ पर बना देंगे ऐसे करके। अब इसको हम यहाँ बनाएंगे, ऊपर को एक्सटेंड कर लेंगे ऐसे ही, इसका एक्सटेंशन ऐसे ही हो जाएगा, इसको एक्सटेंड कर लेंगे इस मार्किंग तक। ये एक्सटेंड करने के बाद में ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए ये बन गया, तो ये हो जाएगा हमारा क्लास एट्थ। इसको लिख देंगे हम एट्थ। एट्थ के बाद में आ जाता है नाइन्थ। नाइन्थ में है नाइन्टी। तो देखिए नाइन्टी तो ये है समथिंग, यहाँ पर आएगा ये आया नाइन्थ। तो यहाँ से ड्रा करेंगे इसको, हम ऐसे करके ड्रा कर लेंगे। ये देखिए ऐसे करके ड्रा कर लेंगे हम। ये देखिए ये ऐसे ड्रा हो गया, ये इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया हमने। ये आ गया क्लास नाइन्थ। नाइन्थ के बाद में आ जाता है टेंथ। टेंथ के अंदर 80 है, 80 दिस वन इज 80। तो 80 के लिए हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। देखिए हम ये इक्वल डिस्टेंस हमने यहाँ ले ली हुई है, तो ये यहाँ पर आएगा ऐसे करके। अब देखिए इसको हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंड करना है, जहाँ पर हमने ऊपर मार्किंग की हुई है उसी मार्किंग तक लेकर के इसको हम जाएंगे। ये देखिए इसी मार्किंग तक ये चला गया। तो अब हमारा ये बन गया टेंथ। टेंथ क्लास आ गया ये। इस तरह से हमने देखा ये हमारा बार ग्राफ जो है प्रिपेयर हो गया। अब हाउ वुड यू चूज ए स्केल, इसके अंदर आंसर क्या लिखेंगे इसका। हाउ वुड यू चूज ए स्केल का मतलब क्या होगा, वी विल टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रेन। जैसे हमने स्केल लिया था उसको हमने लिख दिया, हमने 10 चिल्ड्रेन ले लिए इसको। एज वी हैव टू शो अप टू 135 तक हमें शो करना है, इसलिए हमने ये 10 चिल्ड्रेन का स्केल ले लिया। अब देखिए नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये तो ए था इसका पार्ट, बी पार्ट का फर्स्ट है इसका। विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम, दो बातें पूछी हैं। कौन सा क्लास के सबसे ज्यादा और किसके कम, तो फिफ्थ क्लास का बार ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा 135 तक। फिफ्थ क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, फिफ्थ क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, और मिनिमम वाला कौन सा है जो सबसे छोटा ग्राफ होगा, दिस वन टेंथ का। तो मैक्सिमम में कितने चिल्ड्रेन है ये भी हम खोल देते हैं, यहाँ पे इसे ओपन कर देते हैं। मैक्सिमम में 135 चिल्ड्रेन है, एंड क्लास टेंथ हैज द, एंड क्लास टेंथ हैज द मिनिमम में कितने हैं। देखिए टेंथ क्लास में 80 हैं, मिनिमम 80 नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। ये हो गया साहब हमारा पार्ट वन। अब इसी का पार्ट सेकंड और है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट। तो रेशियो फाइंड आउट करना है हमें, किसका किसका रेशियो फाइंड करना है हमें, क्लास सिक्स एंड एट। क्लास सिक्स में 120 और क्लास एट में 100 स्टूडेंट्स हैं। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 6 और 2 5 10, 6:5 इसका आंसर हो गया।